पूजा पाठ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषाद्य है। दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। यज्ञ, श्राद्ध आदि इसमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है। कुमड़ा या मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियों को नहीं तोड़ना या चाकू आदि से नहीं काटें, यह उत्तम नहीं माना जाता है। भोजन प्रसाद को लांगना नहीं चाहिए। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा, व्रत या श्राद्ध के दिन छवरकारी दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए। बिना यज्ञ, पवित्र या शिखा बंधन के जो विकारी कर्म किए जाता है वह निष्फल हो जाता है। शंकर जी को बिल्व पत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम की नहीं चढ़ानी चाहिए। शिव जी को कुदुम, विष्णु जी को धतूरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ावें। अक्षत देवताओं को 3 बार तथा पितरों को 1 बार धोकर चढ़ावें। ऐसे ही सनातन धर्म से संबंधित ज्ञान वर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।